मैं आपको दिखा दिया नहीं आगे तो और बाकी है देखो एक और रूढ़ी है ये शायद हिमाचल से लिए नहीं नहीं ये शॉप से लिए और ये वाला भी एक पैंट है उसका एक सेट है और ये अभी इनकी शॉपिंग है ये वाला शर्ट है मैं बताया आपके जोड़ी मुझे दोनों का सेम था तो उसका पहले बताया अभी आ, इनका है ना सेम है ना सेम कलर दोनों को ना साथ में मैं पहनने वाली हूं दोनों में अंदर व्हाइट टी शर्ट के साथ बहुत अच्छा लगेगा और ये वाला और ये मतलब तुम्हारे टोटल पांच शर्ट हो गए ना और दो टी शर्ट ये अभी तुम्हारा मतलब सिर्फ अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से हूँ क्योंकि आप सब भी बहुत अच्छे से होंगे तो आज है 28वां रोजा आज है थर्सडे तो आज मेरी बहन की बर्थडे भी है तो मेरी तरफ से आपा देखो हैप्पी बर्थडे और अम्मी अब्बा की आज एनिवर्सरी भी है तो मेरी तरफ से आप दोनों को हैप्पी एनिवर्सरी मुझे नहीं पता ये वीडियो कब अपलोड होगा लेकिन मैं आज उनका बर्थडे और एनिवर्सरी है तो मैं इसलिए आज ही उनको विश कर रही हूँ तो ये इतनी सारे आप देख सकते हो कि मैं शॉपिंग करके बैठी हूँ तो ये कुछ ईद की शॉपिंग है और कुछ हम लोग का बाहर का टूर है उसकी शॉपिंग है तो चलो मैं आपसे शेयर करती हूँ और इस बार ईद को हम लोग कहाँ जा रहे हैं दियार ईद को कहाँ जा रहे ईद को कहाँ जा रहे तो ईद को हम लोग जा रहे हैं संगम देर मतलब मेरे घर पे तो मैं 6 साल के बाद नहीं सॉरी 8 साल में शादी को हो गए और 7 साल के बाद मैं पहली बार रमजान ईद को मम्मी के लिए जा रही हूँ बकरा ईद को तो मैं हमेशा जाती हूँ हर साल जाती हूँ लेकिन ये रमजान ईद पहली बार मैं जा रही हूँ तो बहुत एक्साइटेड है इसलिए हम लोग ने बहुत सारी शॉपिंग की है और इंशाल्लाह से बहुत मजा आएगा तो वो सब वीडियोस मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी लेकिन शायद से मैं आने के बाद मतलब मैं जब मुंबई वापस आऊंगी तब मैं आपसे शेयर कर पाऊंगी क्योंकि पता नहीं वहाँ पे वाईफाई नहीं है नेटवर्क कैसा रहेगा कैसा नहीं तो मैं शूट करूंगी लेकिन आपसे थोड़ा लेट हो जाएगा शेयर करने में तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते मैं आपको मेरी पूरी शॉपिंग दिखाती हूँ फिर मैंने क्या क्या लिया है पहले मैं ना आपको अलियान के कपड़ों से बताती हूँ हाँ ठीक है पहले ये सब हटाती हूँ एक एक करके आपको बताते हैं पहले अलियान तेरा बताऊं कि मेरा बताऊं मेरा ठीक बताऊं और हाँ ये बात तो मैं बोलना भूल गई थी तो ये वाला जो बैग है ना वो मेरी शॉपिंग है ये मैंने आपा के लिए शॉपिंग की हूँ उसने मेरे हाथ से ना कुर्तीज मंगाई थी तो पहले मैं आपको ये बताती पहले दिन ये बताते तो उसकी कुर्ती मैं मम्मी की तरह ले जाकर देने वाली हूँ तो बाहर से फिर वो आएगी तो ले लेगी तो उसके लिए मैंने जितनी सारी कुर्तीज खरीदी हूँ ना वो मैं आपको करके बताती हूँ तो वो भी वीडियो में देख लेंगी तो ये उसके लिए नहीं है उसकी लड़की आमिना के लिए है तो ये देखो ये रेड कलर की है और इस तरह से उसका घेर है और बीच में से इसका कट है उसको और ये सामने से ना थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी और इसका जो कलर है ना मरून शेड में ये आप लोग को रेड दिख रहा होगा लेकिन ये जो कलर है वो मरून शेड है ठीक है दिख रही है बराबर से तो मैं एक एक करके बताऊंगी भी और घड़ी भी करूंगी क्योंकि मुझे बैग भी साथों साथ पैक करनी है क्योंकि आज रात को जाना है तो मेरा सब काम होना चाहिए पहले मैंने सोची थी कि आने के बाद मैं आपसे शॉपिंग शेयर करूंगी लेकिन फिर आने के बाद मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो मैं बोली चलो पैकिंग भी हो जाएंगी और साथ में शेयर भी हो जाएंगी क्या बोलते सही थी ना बढ़िया तो ये साल की ईद है ना मेरी बहुत एक्साइटेड होने वाली है और अदियान की भी क्योंकि ये पहली रमजान ईद अदियान की वहां पे बताया अदियान का जो है ना रमजान में अदम कितने 19वें रोजे को शायद अदियान में अदियान 19वें रोजे को है और उसके बाद फिर जो ईद आई मतलब वो ईद हम लोग ने बनाई नहीं वो ईद तो नहीं थी नातम ही था तो इंशाल्लाह उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी जब टाइम रहेगा तब अभी तो मतलब मैं थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ थोड़ी नर्वस भी हूँ पता नहीं तो ये रहा ये सेकंड वाली कुर्ती है ये भी आमिना के लिए ही है तो ये ग्रे कलर है और उस पर इस तरह से ना रेड कलर के फूल बने हुए हैं और यहाँ पे देखो गले पे ना एम्ब्रॉयडरी का काम है अदिन मत करना बेटा इधर बैठ जाओ ना नहीं बेटा वो साउंड में पूरा जाता है ना फिर उधर पे बैठ जाओ बेटा दिया वहां पे और ये देखो अस्तीन पे भी ये पूरा इसी तरह से जिस तरह गले पे वर्क है ना वो इसी तरह से अस्तीन पे भी वर्क किया हुआ है और ये पूरा इस तरह से इसको घेर इसको भी बीच में से हल्का सा कट है ठीक है और ये ना सिर्फ शो के लिए बटन दिए गए पहले मुझे लग रहा था कि ये पूरे ओपन होंगे क्योंकि इस टाइप की मैंने खुद के लिए ली हूँ नए कुर्ती बट नहीं ये सिर्फ शो के लिए दिए गए हैं तो ये कलर ना बहुत प्यारा लग रहा था जब मैंने इसको वेयर की ना मैंने खुद पे ट्राई किया मुझे इतना पसंद आया है ना कितना अच्छी लग रही थी ना अच्छा लग रहा तो मैंने ना गलती कर दी मैंने खुद के लिए भी लेना चाहिए था ये तो कुछ नहीं मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी वाशी को तब मैं वापस ढूंढूंगी इसको और वैसे भी मेरे पास बहुत सारी कुर्तीज हो गई है आप वो चलाओ फिर बोला तू
जो है वो बहुत ज्यादा है, वही यूज करो। सही बोला आदियन, मम्मी के पास बहुत कपड़े बेटा। नहीं है मेरे पास कुछ भी, अभी से तो मेरा पूरा बाकी है। मेरा पता है इसका ड्रेस भी बाकी है आदियान। ये जो ड्रेस मैंने कल आपको बताया हूँ ना, तो उसका है ना, पहनने के बाद इन्होंने खुद ने मुझे बोले कि इसके लिए अच्छा नहीं लग रहा है, मैं दूसरा दिलाता हूँ। और अब जब बोल रही हूँ तो ऐसा बोल रहा है, दिलाएगी कि नहीं? नहीं। मैं अब्बू से पूछ रही हूँ। तुम क्या बोल रहे हो आदियान? क्या लेने मम्मी को? नहीं लेंगे, जाने दे, रोएंगे मम्मी को। जाना कैंसल? आप कैंसल, मामा जाए। ठीक है, तुम जाएगी अगर मैं नहीं जाऊंगी तो? क्या करने का आदियान, लेंगे मम्मी को, रोएंगे मम्मी नहीं तो? यूज कर रही नहीं तो, अभी मैंने यूज कर रही नहीं तो क्या ऐसी फेंकने के लिए लियू क्या? ईद में ये पहनूंगी क्या मैं? जाने दे, लेंगे बेटा मम्मी को। पहनो ठीक है, जाना जाना कैंसिल बेटा। घर में बना बेटा। और ये वाली कुर्ती ली हूँ मैंने आपा के लिए, ये उसके ऊपर बहुत अच्छी लगी है कलर, तो ये पूरे मतलब लॉन्ग है और इस तरह से सरे इतना बड़ा घेर है, अब घेर देते है ना, कलर भी ना इतना प्यारा। मैंने ना ये इतनी सॉफ्ट प्योर कॉटन की, और यहाँ पर देखो सब छोटा सा ना इस पर टिकली का वर्क किया हुआ है, और ये छोटी छोटी व्हाइट कलर की बूंद है। ये प्रिंट भी नहीं है, हाँ ये प्रिंट है, ये पूरा व्हाइट कलर का ना इस पर प्रिंट किया हुआ है, तो बहुत प्यारी लग रही है। अभी मैंने तो लाई हूँ दोनों में से, जो भी रखेंगे वो मुझे नहीं पता, मेरा काम था लाने का, तो उन दोनों पे है उनको क्या रखना है क्या नहीं। तो मैं क्या बोलती अभियान, हाँ मैं बता रही थी कि अभियान का जो बर्थडे है ना, वो रमजान की 19वें रोजे को आता है। और पता है जो रमजान को उसका पहला बर्थडे था, मतलब पहली ईद थी मम्मी के घर पे, तो वो हम लोग ने बनाई नहीं क्योंकि तो उसका बहुत बड़ा रीजन था, है ना। उसके बाद में अभी जा रही हो ना ईद को? बाद में बताना सब। हाँ तो वो मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं बताने लग गई तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। तो वो ईद तो बहुत खतरनाक थी, मतलब जिंदगी भर हम लोग याद रखेंगे वो ईद को, क्योंकि वो ईद बना ही नहीं हम लोग को, कोई मोहल्ले वालों ने भी नहीं मनाया, क्योंकि बहुत बड़ा मतलब हादसा हो गया था हमारे घर में, तो वो ईद ही हम लोग तो मातम जैसी हो गई थी। तो उसके बाद आज पहली बार मैं ईद को जा रही हूँ, तो थोड़ा अजीब भी लग रहा है, पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो रही है। तो खैर, और ये वाली एक कुर्ती लास्ट है, उसके बाद फिर दो प्लाजो सेट है, तो ये भी फुल लॉन्ग है और इसको भी देखो कितना बड़ा घेर है, ठीक है। और इसको भी एम्ब्रॉयडरी की हुई, मैंने थोड़ा स्पीड में बताऊंगी नहीं तो ना बहुत ज्यादा शॉपिंग है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और मुझे ना फिर रोजा भी है तो मैं ज्यादा बोल भी नहीं पाऊंगी, और आज रात को जाना भी है तो बहुत ज्यादा काम है, तो मैं पहले बता भी रही हूँ फटाफट से, और इसको घड़ी करके रख भी रही हूँ क्योंकि मेरा काम बच जाएगा। और वैसे भी अभी अंत तो नहीं आ रहा है, इसको कैंसिल कर दिए उसके अपन ने, है ना। मेरे बैग में ठीक है, हम लोग दूसरी बैग लेके जाएंगे, वो दोनों मेरी तो मुझे देख दिलाएगा तो मैं आऊँ, फिर लेने का ठीक है, बोलना टेंशन मत ले बोलना। अच्छा मेरी मत, सही बोला बेटा, हर बात में सही बोला जरूरी है। हाँ। मम्मी को कितने भी कपड़े ले तो हाँ पेट नहीं भरता, मेरे लिए, तेरे लिए, आदियन के लिए, मेरे लिए नहीं सबके लिए, ऐसा बोलो दादा जिसके लिए मेरे लिए, क्यों तेरी फीस भरते बस की और स्कूल की, नहीं तो पैदल जा सकते है तू, पैदल आपको सोना पड़ेगा, मैं तो नहीं आऊंगी। चलो चलो जल्दी करो चलो। और ये है ना मेरी डेनिम की कुर्ती है, लॉन्ग है, ये आती है मम्मी, नहीं बेटा ये भी अम्मो दीदी की है, और इस पे इस तरह से व्हाइट कलर का प्रिंट है, बैक साइड में भी थोड़ा सा प्रिंट है, ये बहुत लॉन्ग है, और इस पे इस तरह से ना साइड में देखो कट है। और ना फ्रेंड्स, जो वाला पैटर्न, जो कुर्ती, जो कलर आपको जरा पसंद आएगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको इतनी मेहनत से बता रही हूँ कि आपको कौन सा ज्यादा बेस्ट लगा, और मुझे भी थोड़ा सजेस्ट करना कि मैं मुझे और एक दो कुर्ती लेनी है, तो मैं अब किस तरह से कौन से पैटर्न में लूँ जरा मुझे बताना, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं आ रही कि मैं अभी कौन सा पैटर्न लूँ, है ना, थोड़ा सजेशन दे देना मुझे, क्या बोल दे?
जरूर अच्छी कुर्ती लेंगे अपन। हाँ, अच्छी अच्छी। तुम दोनों का तो मुझे लगता है पूरा हो चुका है। नहीं, मेरे शॉपिंग है। अबू हमारा होया अबू। नहीं बेटा, अपनी अपनी भी शॉपिंग बाकी है। तो ये ना कुर्ती एंड प्लाजो सेट है, तो इसके नीचे ना ये वाला सेट आया है, तो ये पैंट है इस तरह से, और ये उसका ये टॉप है। तो ये प्योर कॉटन है, लेकिन इसके ऊपर ना प्रिंट है, तो इसलिए ना थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कपड़ा है ना इसके साथ हाथ में ना सा प्रिंट लग रहा है, और यहाँ पे इस तरह से ना उसको वर्क किया हुआ है, और यहाँ पे ये आस्तीन पे भी है। इसका भी लॉन्ग नहीं है, ये थोड़ा शॉर्ट है, और इसको भी घेर देखो कितना बड़ा घेर है, और ये ना पिस्ता कलर है, बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें आपको कलर समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये ना व्हाइट एंड हॉट व्हाइट कलर है, तो उसके ऊपर बराबर से ये मैचिंग फैन दी हुई है, और ये ना थोड़ी सी ना एक्सेल साइज है, लेकिन ढीला है ये, मैंने पहनी ना मुझे बहुत ढीला हो रहा था, तो मुझे लगता है ये उनको आ जाएगा, क्योंकि ये ढीला हो रहा है ना, मुझे दो लोग बराबर से आ जाएगा, अगर उनको नहीं आया तो फिर ये मैं रख लूंगी, मैं देखूंगी उनको क्या आता है क्या नहीं। वैसे तो मैंने बराबर से उनको साइज लेकर आई हूँ, बात नहीं करती, इनको भी जाना है। इतना गर्म हो रहा है ना, 40 डिग्री टेम्परेचर है, पता है 40 डिग्री टेम्परेचर है। फोन अभी बंद हो गया था, क्योंकि बता रहा था कि फुल हॉट है, क्योंकि फैन बंद था, तो अभी थोड़ा सा आपको ना साउंड का आवाज आएगा, क्योंकि एसी ऑन किए, नहीं तो शूट ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फोन गर्म हो जा रहा है। और ये वाला भी एक सेट है, इसका ना दुपट्टा बहुत प्यारा है, इसमें ना पूरा ना सब मिरर लगा हुआ है, बीच बीच में भी छोटा छोटा मिरर लगा हुआ है। हाँ, ये ऑफ व्हाइट कलर का दुपट्टा है, और ये इस तरह से ना, ये कौन सा कलर है, ये पिंक कलर तो नहीं है ना, अलग है ना, लेवेंडर टाइप में कुछ है, तो मैंने ज्यादा नहीं खोलूंगी। इधर से बॉर्डर नीचे ये है, और इधर ऊपर है ना आस्तीन पे भी सेम है, और इधर देखो इधर पे ये ऐसे, और इसका कपड़ा ही मुझे ना थोड़ा अलग लग रहा है, पता नहीं, कॉटन भी नहीं है, रेयन भी नहीं है, ऐसा थोड़ा अलग कपड़ा लग रहा है। तो ये एक कुर्ती हो गई, तो ये सब इसके हो गए दीदी के। अब मैं अभियान के बताती हूँ, मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। ये तुम्हारा पैंट है, ये इनके लिए पैंट है, उस दिन वाशी से दो लिए थे ना तुमको। हाँ, एक ब्लैक है, एक ब्लू है। ये वाला और ये वाला दो पैंट उस दिन उनको वाशी गए थे, जब आपा के लिए कुर्तीज और इनके लिए ये पैंट लिए थे। और ये सब शर्ट है ना, इधर से मैंने, इधर हम लोग के इधर डिमार्ट है, तो कुछ डिमार्ट से लिए, कुछ जोड़ियों से लिए है, तो ये वाला शायद से डिमार्ट से लिए, तो ये इसके ऊपर हो गया, तो ये इनका शर्ट है, और ये सब अध्ययन की है, इसे मैंने घनसोली से ले ली। अध्ययन के पास मैं बताई ना, कुछ भी कपड़ा नहीं है उसको, कुछ नहीं आ रहा, तो मैंने बहुत सारे कपड़े लिए अभी उसके लिए। तो ये दो टी शर्ट है अध्ययन के लिए, ये शर्ट है, ये ना तरह से शर्ट है, तो मैं ये शर्ट है ना उसको ये वाला टी शर्ट डाल के पहना रहा हूँ। और ये है ना डेनिम, एक्चुअल उसके पास पहले भी एक डेनिम था, लेकिन है ना वो शॉर्ट आस्तीन थी, और ये लॉन्ग है, और जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे इस तरह के कपड़े उसको लगने वाले हैं, तो इसलिए मैंने लिया, और मुझे बहुत प्यारा लगा। और ये मैंने उसको जोड़ियों में से ली थी, ये वो है, और इनके पास भी सेम है, मैं बताऊंगी आपको, दोनों को मैंने सेम ली जोड़ियों में से, बताया दोनों को सेम मिला, तो उनको दोनों को ना मैं एक ही दिन में पहनाऊंगी बराबर साथ में। और ये एक टी शर्ट है, और ये शॉर्ट है ये टी शर्ट के ऊपर, ये भी एक टी शर्ट है, तो इस पे ना हुडी है। अध्ययन की अच्छे खासे शॉपिंग हो गई है, अध्ययन की बहुत ज्यादा शॉपिंग हो गई है, और फिर बोलता है मेरे को कुछ नहीं ली घर की, ये भी एक हुडी है, ये मुझे बहुत अच्छी मिली है ना, अच्छी दिख रही है, सॉफ्ट है और ना अच्छी भी है। एक ये वाली एक पैंट, और ये मैंने ना ये और ये तीनों है ना, ये तीनों हमने ना डिमार्ट से लिए थे उसको, बहुत अच्छी खासी अच्छी रेंज में मिल गए मुझे, मतलब ये जो है ना ये कितने 300-300 रुपए में मुझे एक मिली है, और ये उड़ी भी शायद 400 के लगभग ही है, और वाशी में अपन देख रहे थे ऐसी उड़ी 1500-1800, और डिमांड में मुझे मिल गई ये 400-500 की रेंज में। और ये वाला मैंने यहाँ से पास में शॉप में से लिया, ये भी जो है ना ये वही पैटर्न है, और ये ना थोड़े टी शर्ट्स ना थोड़े मैच हो गए है ना, थोड़े सेम हो गए पैटर्न, ब्लैक व्हाइट ऐसे तरह, पर क्या करूँ भाई, तो कुछ पसंद नहीं आ रहा, टाइम भी कम है, बच्चे के पास कपड़ा भी नहीं, तो मुझे जो दिख रहा था मैं फटाफट लेते गई,
क्योंकि फिर मैं बोली बाद में कौन बैठेगा, वो रोजे में नहीं हो रहा था मुझसे, है ना। कितने फटाफट ले लिए ना उन्होंने, 15-20 मिनट में मैंने उसके इतने कपड़े ले लिए। हो गई आदियन की शॉपिंग, आदियन की। हाँ, ये एक पैंट और उसी मार्केट अपने मैक्स मॉल में से उसको कितने पैंट लिए थे, 3 पैंट लिए थे ना, 3 पैंट। हाँ, ये एक थी, एक और मैंने शायद आगे बताई आपको। हाँ, नहीं ये भी शॉर्ट है और 2 पैंट है। ये और देख ये भी टी शर्ट वैसा ही हो गया सा ब्लैक, और ये ज्यादा नहीं हो गया ऐसा, सेम सेम नहीं लग रहा है ज्यादा। डेली में पहनाने के वैसे भी उसके पास कुछ है नहीं। और ये वाला है ना मैंने ईद में पहनाने के लिए लिया। वैसे तो एक व्हाइट कलर का कुर्ता लिया है, इनका और अध्ययन का सेम कुर्ता है, तो दोनों तो दिन भर वही पहनेंगे, लेकिन शाम के बाद है ना उसको मैं ये पहनाऊंगी। मुझे ना उसके ऊपर इस तरह से ना जैकेट भी टी शर्ट वाले शर्ट ना बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़ा ना हेल्दी लगता है। और ये वाली पैंट उसके ऊपर पहनाऊंगी, तो ये पैंट उसको कुर्ते पे भी पहनाऊंगी और इस पे बना दूंगी, ठीक है। और ये 2-3 चीजें जो मैं आपको अभी नहीं कल के वीडियो में मैं बताऊंगी कि वो मैंने किसके लिए गिफ्ट लेकर आया है, तो वो आपको मेरे ना कल के वीडियो में देखने मिलेंगे, है ना। अभी नहीं बताती, क्या बोले, नहीं कल बताओ, कल बताओ। और ये वाला मेरा ड्रेस है, ये जब ये ली ना उनके साथ में, मैंने एक्चुअली उन लोगों के लिए ली थी, लेकिन ये साइज मुझे आ गया तो मैंने मेरे लिए रख लिया थी, ये बासित के लिए। इस तरह से ना पिंक कलर का पैंट है और बीच में इसमें लाइनिंग है। और ये वाला ना टॉप पे तो प्यारा है ना, और पता है मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, मुझे मतलब सिलाई भी नहीं करना पड़ी इसको, मुझे एकदम परफेक्ट फिटिंग में आ गया। और मुझे ना इसका दुपट्टा बहुत प्यारा लगा था, है ना, कि तो प्यारा दुपट्टा है, अच्छा दुपट्टा है। मैं आपको ना पहन के बताती हूँ, देखो कैसा लग रहा, अच्छे लग रहे, ये कलर है ना, मुझे ऐसा लगता है मुझ पे ना ज्यादा सूट नहीं होता है, लेकिन फिर भी अभी मुझे अच्छी रेंज में मिल गया तो मैंने ले ली। और एक मसला ये हो गया कि मेरा ईद और वासित का दोनों ड्रेस ऑक्यूपाइड है, अभी ईद का तो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, अभी देखते हैं वहां जाकर अगर मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैं लूंगी। और ये मैंने पैंट लिया है अपने लिए, तो ये अभी इस तरह से ना बड़ा बॉटम का भी निकला है, तो ये वाला पैंट मैंने मेरे लिए लिया है। ये मैंने एरोली से लिया, मेरे हाथ में ना जो जो आएगा ना मैं बताऊंगी, मैं फुल सेट नहीं बताते चलूंगी कि किस पे क्या पहनने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है। और ये एक कुर्ती है, तो ये मैंने ना पूरी ओपन कर दी, ये ना इस तरह से, तो ये ना यहाँ तक पैक रहेगी और यहाँ से ओपन रहेगा, मतलब 3 कट पैटर्न होता है ना वो उस टाइप में है, तो मैंने अभी ओपन कर दिया था, पहनी थी ना मैंने, ट्राई कर रही थी ना इसलिए। तो कैसी लग रही फ्रेंड्स मेरी शॉपिंग, और मेरी कौन सी कुर्ती आपको ज्यादा पसंद आ रही है ना, तो प्लीज आप मुझे ना कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से ये वीडियो बना रही हूँ ना, तो इतनी गर्मी में और रोजे में इतना बोल रही हूँ। तो ये देखो है ना, ऐसा इसको यहाँ तक पैक करूंगी और ये पूरा ओपन रहेगा, तो ये 3 कट का जैसे लाइक नायरा पैटर्न जो अभी निकला है ना उस टाइप में भी ये दिखेगा। और ये इतने सारे मैंने स्कॉफ लिए हुए, और ये ना डार्क ब्लू कलर की कुर्ती है, तो इसके नीचे मैं व्हाइट पैंट लेने वाली हूँ, अभी तक नहीं ली हूँ लेकिन बाकी अभी वो लेना, इसके नीचे व्हाइट पैंट रहेगी। और ये वाला एक पैटर्न है, ये डेनिम का जैकेट है। मैंने ना क्या की हूँ, ट्राई कर रही थी ना तो सब मैंने उल्टा 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 करके रख दिया, तो मुझे सब अच्छे से पैक करना पड़ने वाला। ये फुल लॉन्ग है, तो इसके अंदर है ना, एक तो मैं ब्लैक टी शर्ट व्हाइट पैंट पहनूंगी, ब्लैक टी शर्ट व्हाइट पैंट पहनूंगी, या तो व्हाइट टी शर्ट और व्हाइट पैंट पहनूंगी, तो ये इस तरह से ना फुल लॉन्ग रहेगा, बहुत प्यारा पैटर्न है ये। तो मैं इसका ना आपको फोटो बताऊंगी कि ये कैसा है पैटर्न। ये सब मेरे स्कॉफ है जो मैंने बता दिया, बहुत टाइम लगा, ये भी एक स्कॉफ है, ये भी एक, ये सब डबल डबल शेड की स्कॉफ है। एक पर्स है जो मुझे जाने के लिए लगेगा, तो मैंने ना थोड़ा बड़ा लियो, क्योंकि दिन भर बाहर रहेंगे ना तो काम आएगा, ज्यादा सामान इसमें रहेगा। इधर से जैसे पैंट, एक छोटा सा पॉकेट है फोन के लिए, और बहुत ज्यादा स्टोरेज दिया है इधर, ये वाला एक स्टोरेज है इधर, इधर पैक में भी है, और इसको ना ऐसा कैरी कर सकती हूँ मैं, या तो फिर ऐसे कैरी कर सकती हूँ, कि लास्ट टाइम मैंने है ना सादा वाला पर्स लिया था ना तो मुझे संभाला नहीं जा रहा था, तो इसलिए मैंने ना इस तरह से लिया, ताकि मैं इसको ना पैक में ना अच्छे से मतलब कैरी कर सकूँ, तो मुझे इजीली हो जाएगा वो। तो ये जो मेरे नीचे मैंने जो पैंट बताई ना, तो उसके ऊपर मैंने ना ये लखनवी कुर्ती ली,
तो ये बहुत प्यारा सेट हो गया, बस इसके अंदर जो है मुझे इनर लेना है और ये विदाउट कट है, तो ये इतना प्यारा लगा और मेरा तो बहुत फेवरेट हो गया ये ड्रेस। और ये अदियान के लिए ये शूज लिए है, तो ये लाइट वाले शूज है, इसमें ना लाइट लगती है। और ये मेरे लिए है, मेरे और वादियान के शूज है। थोड़ी बात की अभी, मैं बहुत थक गई हूँ यार, मुझे लग रहा है मैंने बहुत ज्यादा बातें कर ली। ये दोनों का कलर सेम हो गया क्या, है ना? तो ये मैंने ना एकदम बॉडी फिटिंग वाली जीन्स ली हूँ, और इसके ऊपर है ना मैं ये वाला जो मैंने बताया ना आपको थ्री कट वाला वो टॉप पहनने वाली हूँ। और ये एक ब्लैक कलर का है, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था है ना पहनने पर। ये सबसे अच्छा ही है। ये मेरे पर ना मुझे पहले ब्लू कलर इसमें रहे ना एक ब्लू कलर था जो भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन इन्होंने बोला नहीं ब्लू मत ले ब्लैक ले, और ब्लैक कलर वो भी बहुत रहा था ना मुझे ना प्यारा अच्छा लग रहा था ये। तो ये और ये महंगा भी होती है ना उसने, तो अच्छा ड्रेस है, महंगा है कपड़ा है ना बहुत अच्छा, मतलब एकदम मऊ है एकदम सॉफ्ट है, तो वो रेंज के हिसाब से मतलब मुझे अच्छा मिला ये। तो ये मैम ये वेट ड्रेस हो गया मेरा। अभी मेरी और अदियान की पूरे कपड़े मैंने आपको दिखा दिए, नहीं अदियान तो और बाकी है, देखो एक और उड़ी है, ये शायद डिमांड से लिए, नहीं नहीं ये शॉप से लिए है। और ये वाला भी एक पैंट है उसका, ये एक सेट है, और ये अभी इनकी शॉपिंग है। ये वाला एक शर्ट है, मैं बताई ना आपके जोड़ियों में से मैंने दोनों का सेम था, तो उसका बदले पहले बताई, अभी याद दिया इनका है ना सेम है ना सेम कलर दोनों है। को है ना साथ में मैं पहनाने वाली हूँ, और दोनों के ना अंदर व्हाइट टी शर्ट के साथ पहनूंगी ना बहुत अच्छा लगेगा। और ये वाला और ये, मतलब तुम्हारे टोटल 5 शर्ट हो गए है ना आई थिंक, और 2 टी शर्ट लिए, अभी तुम्हारा मतलब सिर्फ थोड़ा बहुत ही सामान बाकी है। और अध्ययन भी ऑलमोस्ट डन हो गया है, और मेरी भी बस जो है ना एक पैंट बाकी है और एक कुर्ती, तो मतलब फिर मेरी भी शॉपिंग एकदम डन हो गई। और अगर इन्होंने मुझे ईद को ड्रेस अगर दिलाए वहाँ पे, तो वो एक ड्रेस बाकी रहेगा, तो वो भी मैं कल आपसे जरूर शेयर करूंगी। और थोड़े से मैंने गिफ्ट लिए कल जा रही हूँ तो उन लोगों के लिए, तो वो मैं आज नहीं बताऊंगी क्योंकि वो मेरा ये वीडियो देख लेंगे, तो मैं उनका गिफ्ट जो है ना कल जब वीडियो रहेगा ना मेरा मम्मी के घर का वो वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो फाइनल मैं बहुत थक गई हूँ, तो फ्रेंड्स प्लीज मैंने इतनी मेहनत से आपके लोग के लिए वीडियो बनाया ना, तो प्लीज कमेंट करके बोलना कि आपको क्या अच्छा लगा, कौन सा कलर अच्छा लगा, और आगे मैं और कौन सी कुर्ती लूँ। तो चलो मैं अपना ये जो ब्लॉग है वो यही खत्म करती हूँ, मतलब अपने शॉपिंग ब्लॉग में यही खत्म करती हूँ। इंशाल्लाह वापस इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ आपसे फिर मुलाकात होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।